ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए वाहिगुरु जी का खालसा फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी, असी ड्यूटी के मुताबिक थां थां ते वख वख थावां ते जाने आ ते तकरीबन सैकटरी साहब ओह गल कहिंदा जिहड़ी तुहाडे सैकटरी ने कही है, लेकिन गुरमत की कसवटी ते वेखीए ते अनाउंसमेंट ते बेनती करन नाल बात नहीं बननी। जदों इस तरह की अनाउंसमेंट करदे बेनती करदे ते मेरे सामने गुरु नानक पातशाह के इतिहास में एक साखी चेते आ जाती, ये पटना साहब की साखी है। वो कि धन गुरु नानक पातशाह महाराज, तुसी जन्म साखी चो साखी पढ़ सकते हो, पटना साहब गए प्रशादा पानी हो जाए ते नाल मैं बेनती करा कि नगर वाले ने फ्री प्रशादा नहीं छकाना, कुछ मैनू दे भी। भाई मरदाना जी गुरदेव नूं कहण लगे भी मैनू भुख लगी है, नगर आया ते मैनू कुछ दे। सतगुरु पातशाह महाराज ने भाई मरदाने नूं एक लाल दिता, लेकिन मरदाने नूं ये नहीं पता भी ये लाल है। शंका मनुखी सुभा की कमजोरी है, मैं तकरीबन हर थां ते बोलना है, ससे दे पैर थले बिंदी शंका ते ससे दे पैर थले बिंदी श्रद्धा, ये बिल्कुल एक दूजे की उल्ट ने। जिहड़ी शंका है ये छेक पा के बेड़े नूं डोब देगी ते जिहड़ी श्रद्धा है ये बन्ने ला देगी। शंका मनुखी सुभा की एक बहुत वड्डी कमजोरी है, पैर पैर ते शंका। मरदाने ने मन च विचारिया भी बाबे ने गीड़ा जिहा दिता वेखां तां सी भी इहदी की कीमत है। मरदाने ने एक सब्जी वाले भरा नूं पुछिया इहदा की देगा, वह कहिंदा बाबा तैनूं तीन पा सब्जी दे देंगा। मरदाने देना तो है नहीं पर ट्राई कर लगा। कपड़े की दुकान पर गया तो उन्हें आख्या बाबा ढाई गज कपड़ा। मन में ख्याल आया कि वह तीन पा सब्जी देता सी ये ढाई गज कपड़ा देता तो वो ना तो महंगा है ना। मन अगे पुछ वो किसी आम किरियाने की दुकान पर खलोता तो कोई पारखू सियाणा बंदा लंघिया हाथ च फड़िया हुआ लाल तकिया ते कहन लगा बाबा जिहड़ा तेरे कोल सौदा ना इन्हां दुकानदारां नूं पता नहीं इत्थे इक साल सह जौहरी रहिंदा है उहदे कोल जावे ते हो सकदा तेरे चार पैसे बन जाण। जिहड़ा तख्त साहिब है ना जिथे आपां मत्था टेकदे हां इह साल सराय जौहरी दा घर है जिहड़ा उन्हें गुरु नानक पातशाह महाराज मुड़ के पक्के तौर पर भेड़ कर दिता। भाई मरदाना जी उस गुरमुख प्यारे दे कहण ते साल सराय जौहरी दे घर गए, तगड़े बंदियां दे घर नौकर चाकर हुंदे ने, नौकर ने मूहे ते बिठाया भाई मरदाने नूं, कहण लगा मैं मालक नूं बुला के लियावां क्योंकि उहदी वस्तु है। साल सराय नूं बुला के लिया नौकर, साल सराय ने जदों उह लाल वेख्या ते कहण लगा बाबा जी मैं कितें भुल ना जावां, बेनती है भी पहला 100 रुपया का दर्शनी भेटा लाओ। जिहड़ा तुसीं कहिंदे ने भी पता नहीं की चीज़ है ये लाल है,
इस लाल नूं वेखण दी कीमत 100 रुपया इहदी भेटा ते मुल दी गल मैं अजे करनी नहीं क्योंकि अपने मालक नूं पुछ के आ वी उहने विचना किन्ने दा पता नहीं मेरे कोल पैसे बंड के ना बंड। भाई मरदाना जी खुश हो गया विचारां च पै गए रोटी की गल भुल गई खुशी खुशी भाई मरदाना जी आए तो कह लगे महाराज ये तो सौदा बहुत वधिया रहा है। हजूर कहिंदे मरदानिया जी आपां ये चीज दित्ती नहीं तो साडा पैसे लैण का कोई हक नहीं। जन्म साखी च लिखिया कि गुरु पातशाह कहिंदे ने पैसे सुट के आ साल सराय कहिंदा भी मैं लैणे नहीं आखिरकार आ गया ते जदों आया ना जोरी का मत्था ठणकिया भी एडे वड्डे त्यागी विरागी मैं तां कदे जुआरी वेखे नहीं मना दर्शन तारे कर ते नाले कुछ खाण लई लैके चल उत्थे लिखिया की मुल पाया एक ने 2.5 गज कपड़ा मुल पाया एक ने वेखण दा 100 रुपया मुल पाया पर इहदी कीमत कोई नहीं। इसे प्रकार जिहड़ी इह कहना भी कीर्तन सुनो बाणी सुनो कथा सुनो इहदा जवाब बाणी च है विण गा गुण वेचिए तौ गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख पकाए। जे गुण तो बिना गाहक वेचिए सौदा वेचिए ना उहदी कोई कीमत नहीं जे कितने गाहक मिल जाए उहदी कीमत लखां रुपये हो जाती है। इस कीमत तो मेरे सामने एक इतिहासक साख ही आ गई मैं पंजवा भुल के जब टाइम लाते हैं एक कथा का एक ट्रेंड है भूमिका बननी। गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने जंग जितया दूजा हरगोबिंदपुर साहब का कहिंदे ने है को गुरु का लाल आप खुशी मनाउणी सानू जपजी साहब का अपने घर लैक्चर किया पगां तो बड़िया ने बनिया ने एक नत्था खहरा है जिन्हें पग वास्ते अपना पुत वारिया अपना भाणजा वारिया अपना आपा कुरबान किया नौकर मजबी सिंह से कहन लगा खैरिया मम्मी तेरे घर का लून खाधा है ते मैं लून हराम नहीं करना उसने लून वास्ते अपनी जान दिती अज आप पग की कदरी नहीं करते सुभाविक गल है टॉपिक नहीं। कहन लगे भी कोई गुरु का लाल सानू जपजी साहब का पाठ सुनावे तो एक भाई गोपाले नाम का सिख उन्हें हाथ जोड़ के आख्या पातशाह तेरे सामने बाणी पढ़नी बड़ी औखी है। ये मेरे नाल खुद वापरी जे जो साडा आनंद कार्ज होया ना तो सोमवार की मसिया सी छे सिंघां दा आनंद कार्ज है तो मैनू कहिंदे वी जसवंत सिंह तू अरदास कर जो लंगर छक के खरीदी है सन जनैल सिंह सामने खलोते सन तो आ जी अरदास करदे ना महिमा साधु सांकी सुनो मेरे बीता उसे लिखिया गुरु प्यारे ते भाई गोपाले ने जपजी साहब का पाठ किया मनुखी सुभा बड़ी कमजोरी भी मन डोलदा रहिंदा है। मैं वेदांत शास्त्र पढ़िया अपने महापुरशां कोलों उन्होंने मन की तुलना पांच चीजां नाल कीती है चल दल पत्र पताक पट दामन कश्यप बात भूत दीप दीपक सिखा यौमिन बिरत अनाथ जिवें पिपल की क्रूंबड़ी हिलती रही है निशान साहब का फर्रा हिलता रहा है इस तरह भूत के मूँह चो निकली हुई अग निकलती है दीवे की दी लाड़ कंबदी है मन का सुभा है कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है कबहू जाए प्याले लोभी जीड़ा थिरना रहत है चारे कूटा पाले। साढ़े कुशर भरा एक बंद बोलते होंगे बड़ा भाव पूर्त कहते मन लोभी मन लालची होर मन के मगर ना लगीए पलक पलक मन होर ये साढ़े कुशर संगीत सुना होंगे पंक्तियां जिन्हें आख्या तू कृपा कर मैं जपजी साहब का पाठ करा पाठ करद्या करद्या जो श्लोक ते आए तो मन हलारा खा गया किवें हलारा खाधा एक सुभागे नाम का सिख उन्हें सदा तैयार जिदी वास्त है वो अगे रख के अरदास कर तू तो कहना मेरे जकारे छड़े जान गुस्सा ना करना जिदन जन्म होया सी ना
ਸਾਡੇ ਤੇੜ ਚਾਰ ਗ੍ਰਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਰ ਗ੍ਰਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੋਠੀ ਚਰਨਾ ਪਵਾਵਾਂ, ਤੇ ਚਰਨੀ ਪਾਉਣੀ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਰਨ ਚੁਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦਾ ਫਰੇਮਾ ਹੀ, ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਏਤਨਾ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸੀ ਮਿੱਤ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਲਿਖਿਆ ਹੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਲੰਕਾ ਗੜ੍ਹ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਮ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਨੇ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੈਜੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੁੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਦਕਿ ਮਰ ਲੱਗਿਆ ਮੌਤ ਦੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰੀਕਾ ਇੰਨਾ ਚੰਦਰਾ ਭਵਿੱਖਣ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਮੈਂ ਘਿਓ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਪਾਵਾਂਗਾ ਗੁਦਲੇ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਰੋੜ ਆਵਾਂਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈਸਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧਲਾ ਖੇਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਏ ਕਿਸੇ ਕੀ ਥਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸੋਨਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਦੇ ਸਨ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਮਦੋਦਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਉਹ ਕੀ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ ਆਨ ਰੂਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਮਨ ਚੰਦਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਕਾਠੀ
गुरु के सिख ने बाणी का भोग पाया। धन गुरु अर्जन सच्चे पातशाह ने गुट फड़ के उहदा मत्था जुम्मिया ते जफ्फी पाई, प्यार कीता, तेरा पिता धन जिन्हां दे घर वी तेरे वर्गे गुरमुख का जन्म होया, पर निक्का जिहा गिला तेरे उपर। पहला तो खुश होया ना, जदों गिला आख्या ते मत्था ठणकिया तां वेख्या गिला। दो लफ्ज़ आपां आम बोलदे आ पिंडां वाले, खास करके गुस्सा गिला। गुस्सा दुश्मन ते हुंदा है, जिन्ना भाग मथाहे से नानक हब रंग पाण दो। पर तू पाठ कीता है, तेरियां इक्की कुलां तारियां सत नानकियां दियां, सत दादकियां दियां, सत सहुरियां दियां, ते जिहड़ी ये तू पाठ दी गल करदा इहदा बकाया अजे उन्नी दा उन्ना ही है। इस करके गुरमुखो, गुरु की बाणी दी कथा ते कीर्तन दी कोई कीमत नहीं। गुरु साडे ते मेहर करे, सानू गुरबाणी दी समझ आ जाए। जे संबंध विच आपां इकट्ठे होए आ गुरु अर्जन दे, दुनिया दे विच जदों असीं धर्मां दा मुतालिया करदे आ, मामद साहब खुदा दे पैगंबर होए ने, उन्हां ने अपने आप नूं खुदा दा पैगंबर खवाया। रामचंद्र ते कृष्ण जी नूं 16 कला ते 14 कला अवतार करके लिखिया। कला होए ठाकुर चढ़िया, वो अनंत कला है, दसम ग्रंथ पढ़ी दा ना, ते उत्थे 24 विष्णु दे अवतारां दा वेरवा है, ब्रह्मा दे 7 अवतारां दा वेरवा है, ते शिवजी दे 2 अवतारां दा वेरवा कलगीधर पातशाह ने दसम ग्रंथ च लिखिया। कालीदास नूं ते व्यास ऋषि नूं ब्रह्मा दा अवतार लिखिया कलगीधर बापू ने। पात्र जिहड़ा गुरु अर्जन दे महाराज दा नां लै लेगा, ना 84 दा गेड़ा, ना संकट, ना मां दा गर्भ, गुरु अर्जन देव दा नां लैण दे नाल ही प्राणी मुक्त। जदों गुरु अर्जन दे सच्चे पातशाह अवतार अपने नानके नगर गोइंदवाल साहब होया, माता भानी जी प्रशादा पुकारे सन। इत्थे एक सवाल पैदा होंदा, महाराज इन्ने महान पुरश ने, इन्हां दे अंदर को तसीर है ना, वो तसीर है मां भानी दी। मैं इहनूं घर दे कहिंदे ने भी वार वार गल ना क्या करो। मैं ये कहना भी जे अज आपां कहने भी भाई तारू सिंह वर्गा को सिख नहीं, भाई मनी सिंह वर्गा को सिख नहीं, तो भाई तारू सिंह की मां वर्गी भी मां नहीं, तो जे वह जी मां नहीं तो भाई तारू सिंह किवें तो बीबी नूं चुक के लै गया। गुरमुखो जिहड़ी इज्जत है ना, ये सारिआं दी इक्को जी हुंदी है, भावें कोई गरीब होवे ते भावें अमीर होवे, हर एक दी इज्जत दा ख्याल रखो। अगर नहीं रखदे ते असीं सिख नहीं, क्योंकि सानू हदायत है पर बेटी को बेटी जाने पर माता को मात बखाने। साडे वास्ते केवल ते केवल एक औरत है जिहदे नाल साडा आनंद कारज होया, बाकी दुनिया दीआं तमाम बीबियां साडी बराबर दी उमर दीआं भैणां, वड्डियां मावां ते छोटियां धीआं ने। साडे वास्ते औरत केवल ते केवल साडी धर्म पत्नी है जिहदे नाल साडा आनंद कारज होया, ते गुरु ने सानू साडा संबंध बनाया। साडे लई केवल एक पत्नी, एका नारी जति होए पर नारी ती पैण बखाणे। दसम पातशाह कहिंदे सुध जपते हम लई बचन गुरदै हमारे, पूत यही प्रण तोए प्राण जबला खड़तारे, निज नारी के साथ न्यू तुम नित बढ़ाइयो, पर नारी की सेज भूल सुपने होना चाहिए। सुपने दे विच भी प्राय बिस्तरे ते पैर ना रख, ये साडा सिख करैक्टर है। रीम बख्श माछी दी धी नौजवान बीबी नूं पट सानू अपनी धी दसे, गुआंढियां दी भैण सानू अपनी भैण दसे, जिहड़े जंगल विच सिंह सन उन्हां नूं जाके क्या प्रशादा लिजांदा सी ना उन्हां वास्ते, ते चेहरा बड़ा नप्पिया कुटिया ते कहण लगे तारू सिंह सुख है, कहण लगा भाऊ सुख नहीं है। क्यों आ गल हो गई है, ते कहण लगे जे तेरी भैण ते साडी भैण नहीं, असीं रोटी नहीं खाणी, गुरु के सिंघां ने रोटी उत्थे ही छड़ दित्ती। जाके पट्टी दे हाकम नूं चटकाया,
ते बीबी नूं कर बचाए। इस कारण करके भाई तारू सिंह नूं फड़ के लगाए सन। आ कारण जे ते किसी की धी की रखिया ली जदों भाई तारू सिंह नूं फड़ के चले ने ना अगे शर्म जाती सी जिन्हों आप परे कह देने मालवे सत कहते आप माझे कहने परे ते मालवे कहते सत जिथे बंदे बहते ने आम करके भाई तारू सिंह मुलाजिम फड़ के लगाए। भाई तारू सिंह दी लिया भी मैं रब का वास्ता पौनी पुत मेरे पुत नूं छड़ दिओ यह नहीं उन्हें आख्या। सिर ढकिया ते गुट फड़ के कहन लगी भाई तारू सिंह मेरे दुध का ख्याल रखी। भाई तारू सिंह चुप कहन लगा जेड़े तेरे सिर दे केस ने ना यह मेरा दुध चुंग चुंग के मेरे खून दे बने ने। मैं गुरु गोबिंद सिंह का वास्ता पा के है कोई एहो जी मां है कोई मां नहीं जेड़ी गुरु अर्जन दे पछे पातशाह दी मां है ना। थोड़ा जा मैं एक टूक मात्र बेनती करा इशारे मात्र गुरु अमरदास परसों उद्घाटन किया उस गुरुद्वारे साहब का बाबा भोला सिंह होरां सेवा कराई है श्रोमणी कमेटी नूं सेवा सौंप दिती है ते मैं उत्थे कथा करन भी गया सां। गुरु अमरदास पातशाह चवारे तो थले उतरे ध्यान दया सारे जने गुरु अमरदास गुरु जिहड़े बारे आप पढ़ते हैं भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोए बनावे तेरे बराबर को होर है नहीं तेरे नाल कीदी मैं तुलना करा। ओ गुरु अमरदास पौड़ियां तो थले उतरे ते कहिंदे धीए भानिए तेरे सिर दा साईं दा आपां सारे जने झाती मारीए सानू को यह कह दे भी तेरा पुत मर जाए तेरा बाप मर जाए तो आप किवें साड़ी तो हो छुड़ जाएगी। गल्लां कहणियां सौखियां होंदियां ने जिन्हां दे कारज लगदी है ना। यह ज्ञान उन्ना चिर जिन्ना चिर दूजे दे कर अपने घरों जांदा जे जदों अपने नाल वापरदी है ना उदों ज्ञान फेल हो जाता तो दूजे नूं आपां बाहां चुक चुक के इउं कर लो। उसे लिखा कि माता भानी ने अपनी नथ ला के चंगेटा के आख्या गुरु पिता मैं तेरे भाने च रहांगी गुरु पिता मैं तेरे भाने च रहांगी। ते गुरु अमरदास पातशाह कहन लगे भानिए पाला धीए पाला मापे हमेशा धीआं नूं देंदे आए तेरे पति ने शरीर छड़ जाना सी असीं अपनी उम्र चों 6 साल 11 महीने ते 18 दिन कट के तेरी झोली च पाए कल नूं असीं शरीर छड़ जांगे तेरे पति दी इन्नी उम्र बाकी वह भी मुड़ के साडे च लीन हो जाणगे। उस मां भानी दी कुख चों गुरु अर्जन देव प्रगट होए ने तां भाणा मन्निया तां आख्या तेरा किया मीठा लागे साडे तों जिहड़ा जहाज नाल लग गया उहदा बेड़ा बन्ने जहाज ते भां मंजा डाके बह जाए चिंता कोई नहीं जहाज तां अपने आप चलदा तरन लग्या तां बाहां लाउणियां पैणगियां जां माड़ा मोटा कई बार वक्ख वक्ख तरीके ने लेकिन जहाज ते कोई टेंशन नहीं हुंदी जहाज नाल जुड़ो। यह जहाज का मालिक संसार के जीवां नूं उतारदा इहदा एक सिख गुरु घर का प्रचार करन लई मंडी गया और गुरु घर की मर्यादा है पहला पंगत पाछे संगत जिन्हों आप बाणी बाबे की बाणी च पढ़ते हैं भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजे रबा आ चुक अपनी माला भुख्या तो रब रब नहीं कहा जाता। गुरु अमरदास पातशाह का हुक्म है भी जिन्हें साढ़े दर्शन करने ने पहला गुरु के लंगर चो प्रशादा छके साढ़े दर्शन बाद हो प्रशादा पहला इस नियम के तहत गुरु का सिख सकेत मंडी च गया तो उन्हें जाके चुल्हा गर्म किया कुदरती तौर पर उन्होंने वर्त से उन्होंने घेर लिया कहन लगे लत वढ़ दे उहदी जदों वढ़न लगे राजे नूं गश पै गई तो राजा गुरु के सिख दे पैरी पै गया मैं भुल गया भी तेरा गुरु कौन है कहन लगा मेरा गुरु गुरु अर्जन दे महाराज ने। राजा मुतासर होया प्रभावित होया ते गुरु का सिख सकेत मंडी वाले राजे नूं लै करके अमृतसर साहब आया अगे गुरु के रागी सिख कीर्तन कर रहे ने ते उन्हां ने पंक्तियां पढ़िया लेख ने मिटी हे सखी जो लिखिया करतार मैं पहला भी लफ्ज़ किया है
ਸ਼ੰਕਾ ਬਦ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਜੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੁੱਸੇ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰ ਉਸਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਛੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ, ਲਖਮੀ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਰਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ ਜੇ, ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰੋਪਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲੇ ਕੰਬਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਬਾਬੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ ਸਵਾਏ ਗੰਦ ਤੋਂ ਹੈ ਕੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਰਗਤ ਪ੍ਰੇਟੇ ਚਾਮ, ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਰਾਖਿਓ ਗੁਬਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਭਾਵ ਗੰਦਗੀ, ਅਸਤ ਹੱਡੀਆਂ, ਰਗਤ ਖੂਨ। ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੰਡ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਖੂਨ ਤੇ ਗੰਦ ਲਪੇਟਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਆਉਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਪੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ। ਅੱਜ 12 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 22 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਇਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦੇਂਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਫਰਕ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੱਖ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੇਖਨ ਮਿਟੀ ਹੇ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਮਨ ਡੋਲਿਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਉਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗੜੀ ਮਿਲ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ,
वालों निकी एत मार्ग जाना। भाई गुरदास कहिंदे गुरसिखी बरीक है खंडे तार गली अत भीड़ी उथे टिके ना पुणहणा लंघ ना सके उपर कीड़ी वालों निकी आखिए तेल तिलो लै कोलू पीड़ी सिड़ा अलूनी चटनी माणक मोती चोगन मीड़ी। कहन लगे ओनू कह दे भी इस लागे चाहे चलो चार दिन लाका ही वेख जाए। सिख ने जाके कहा राजा लाका वेखण की भावना करके इत्थे टिक गया। सतगुरु पातशाह महाराज राजे नूं लै कहण लगे भी मौसम बड़ा वधिया चल चलीए मैं पोथी च नहीं संत करतार सिंह गुरां दी रसना तो सुनिया जिथे हुण खालसा कॉलेज है ना एट प्रेजेंट जदों इस तां दे राजा ते गुरु पातशाह दा घोड़ा आया शिकार निकलिया ते सतगुरु पातशाह ते राजे दे घोड़े अड्ड अड हो गए। ये खालसा कॉलेज वाली जगह की घटना है। मैं नाल स्पष्टीकरण दिता भी मैं किसी पोथी चो नहीं पढ़िया ये संत करतार सिंह होरां सानूं कई वार पढ़ाया उत्थों घोड़े निकले ने गुरदेव होर पासे चले गए राजा इस पासे वल चला गया। इहदे तों पहलां जदों रागी सिंघां दे सिखां दे पासों पंक्ति सुनी ते राजा तंबू विच जाके सौ गया ते उहने की वेख्या सुपने दे विच उहदा जन्म गरीबां दे घर होया अत गरीबी है धियां पुत ने बच्चे बच्चियां ने जा खुल गई ते मन च विचार कीता भी इहो जिहा भैड़ा सुपना तां मैनूं कदे आया नहीं चंगा गुरु घर आया एडा बड़ा सुपना जिहड़ा उह सुपना सी ना गुरु पातशाह ने उहदे शंके की निवृत्ति वास्ते लिआंदा। जदों उह राजा आ तुहाडे पिंडां थाणी गुरदेव मुड़ के बाद च लंघे पहिलां राजा लंघिआ उत्थे गया ते उत्थे पाणी दी टाप सी घोड़े नूं पाणी पियाया आप घुट पीता मूँह धोता दरख दे मुढ़ नाल ढो ला के बैठा है। एक बीबी आई उन्हें आण के राजे नूं बाहवां तों लुणिआ ते कहण लगी कोई शर्म कर टोकरा न्याणिआं दा जम्मिआ ही ते किहदे कपड़े पा के आ गया। यह साडी आम बोली है पेंडू तुसीं कहणा भी ज्ञानी जी कहो जे बोले यह साडी पेंडू बोली है। जो रौला पाया ते भाईचारा सारा इकट्ठा हो गया उन्होंने अपनी भाषा के मुताबिक उन्होंने आख्या भी घर च तत्ता ठंडा किसी मौके हो जाता है भी जे तेनों भाभी ने कुछ कह दिता तो थोड़ा भी तू जाने छड़ जा। जो लोगों ने बाहवा फड़ लिया राजा डडो लिखा हो गया भी चंगे फसे चंगे मत्था टेकन दरबार साहब आए सा भी घरों भी गए आ नवी पल्ले पै गई विचारां च पिया ते ओने चिर नूं गुरु अर्जन दे सच्चे पातशाह आए ते नाले माड़ा माड़ा हसदे ने तुहाडे पिंड थां लंघ के गए ना ते माड़ा माड़ा जिहनूं आपां कहिंदे मुस्कराउणा कहिंदे राजा साहब सुख तां है कहिंदा जी सुख पिंड सी पर अज आपदा भी नवां कोई चंद चढ़ जाएगा कहिंदे चंद तां इक हुंदा तेरे कोल चंद कितें चढ़ गया। वह बीबी एकदम गुरु राजे नूं छड़ के ते पातशाह दे चरणा ते पै कहण लगा पातशाह तुसीं सारिआं दे सांझे हो मैं तुहाडी धी समान इहनूं चंद्रे नूं समझाओ भी जाने संभाले जे मैं वध घट बोलिया ते मैं तुहाडे सामने तों कोल माफ़ी मंगदी हाँ। राजा होर विचारां च पै गया भी नहीं मरे हुण तां वी मरे ते जे गुरु पातशाह ने आख्या सांभ लो ते मैं तां इत्थे काबू आ गया नाल मेरे पातशाह सी जांदे ने। कहण लगे राजे बार भी ऐ हथ कीता ते उहनूं कहण लगे धीए राणीए भी जे तां तूं आपणा पति साड़िया संस्कार किया तो फिर कमड़िए छड़ दे जिहड़ा साड़ दिता कित्थों उठ निकल जाएगा तू आप साड़िया तो जे दबिया तो जे तो तुहाडा मुरदा जाए मिल तो फिर इहनूं छड़ दिओ जे नहीं तो इहनें पखंड किया इहनूं घर टालो। राजे नूं कच्चियां त्रेड़ियां आउण भी जे मुरदा नाना मिलिया तो आप डिके आ गए। हुण राजा निम्मो झोणी है उहदे पैरां दे थले मिट्टी लिली जांदी है त्रेड़ो त्रेड़ी हो गया ते जाके वेख्या मुरदा पुट्टिया ते मुरदा उहनां दा मिल गया। वह बीबी भी कहण लगी महाराज असीं भुल्लण आरजू होए माफ़ी बख्शो भाईचारे ने मत्था टेकिया ते राजा कुछ कहम कहण लगा चक्कर की है। गुरदेव कहिंदे चक्कर की है ये चक्करां चों कढ़न लई चक्कर कीता ई
क्योंकि तेनू गुरु घर भी शंका आया भी गुरु घर आउण दा की फायदा है। राजा ये जूना तेनू भोगनिया पैनिया सन, ये जूना तेनू भोगनिया पैनिया सन, इस बीबी नाल तेरा संबंध बनना सी, तेरे घर बच्चे होने सन, पर तू गुरु नानक दे दर ते मत्था टेकिया। इत्थे गुरबाणी दी पंक्ति दी व्याख्या करती है, इतिहास नहीं गुरबाणी, सतगुरु के जन्मे गमन मिटाया, ये गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दी पंक्ति है, सतगुरु के जन्मे गमन मिटाया, जे गुरु घर जम पे ते आवा गाउण दा गेड़ा मुक गया, जे गुरु घर ना जमे ते गेड़ा चलदा रहना। ये बराबर मैं एक होर साखी, मैं गल पहुंचो के लिया गुरु के लड़ लगो अमृत छको, जे ना छकिया तो एक गल याद रखे जे कना चो फूका मरा के लिया उस बाबे ने तुहाड़ा बेड़ा बन्ने नहीं चलाना, जेडे फूका मरा के लिया फूका फूका वाला बाबा, साडा बाबा फूका वाला, साडा बाबा अमृत वाला बाबा। कलगी तर पातशाह मर दीने गए, उत्थे तीन भरा सन, मैं नमस्कार करदा उन्हां अगे, भाई शमीर, भाई लखमीर ते भाई तख्तमल। कलगी तर पातशाह जंग युद्ध करके गए ते उन्हां आख्या पातशाह कर कृपा एक घर नूं धर्मशाला बना दे, जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापण सोआ, जे तेरे चरण पैजण ते गुरद्वारा बन जाएगा रहमत कर। उन्हां दी बेनती मन के पातशाह ने उन्हां दे घर पड़ा कीता। वजीर खान ने धमकी भरिया पत्र लिखिया भी तुसी गुरु गोबिंद सिंह सरकार दे बागी नूं लिखिया, तुहाडा कान पता कान पीड़ देंगा, तुहाडी जुरत किवें पई। भाई शमीर उन्हां चों वड्डा सी, इन्हां दा मामा जैतो दा भूतां वाले बाबे दा चेला सी, भूतां वाले बाबे दा, भूतां वाले बाबे दा भाव नहीं भी जिहड़े ऐतवार ते वीरवार सिर मारदे ने ना, ये भूतां वाले बाबे ने। जे तुसीं पुछो भूतां वाले बाबे रहिंदे कित्थे ने, जिहड़े ऐतवार ते बुधवार अपने घरां च दीवे जगा के सिर मारदे ने उहनूं कहिंदे भूतां वाले। ते उहनां दा नां भाई अमरीक सिंह ने मैनूं पढ़ाया सी चरखे गुरु, जिवें चरखा घूम करदा ना उह वी घूम करदे ने, इस करके जिहड़े बाबे खेड़ देंदे ने उहनां नूं कहा चरखा गुरु, क्या करो कि चरखा गुरु जांदा। उन्हों का मामा चरखे गुरु से विश्वास करता सी, उन्हें आ गया गुरु गोबिंद सिंह अपने पुत शहीद करा के आ गया, मां करा के आए, पी लोगे ये को, पर उन्हों का नीचा पक्का सी। उन्होंने सूबे वजीर खान चिट्ठी लिखी भाई शमीर ने, कहन लगा तेरी बकवास मैं पढ़ ली है, तू आख्या भी गुरु गोबिंद सिंह सरकार दा बागी तुहाडे घर बैठा है, असीं घर दे मालक कित्थों बन गए, ये मालक दा घर गुरु गोबिंद सिंह अपने घर बैठा है, असीं उहदे पनाहगीर हां, तू किन्ना हवाले कर दिओ, तू इस पासे नूं पैर पा, असीं तेरा घाण बच्चा घाण पीड़ देंगे। ये जवाबी उत्तर दिता भाई शमीर ने वजीर खान नूं। एक सिंह कोल बैठा सी, उन्हें कलगी तर पातशाह नूं आके हाथ जोड़ के बेनती की, पातशाह ने कमाल ही कर दिती, हाथी मंगा दिती, इहदा तेरे तो जान वार नूं तैयार ने। ते कलगी तर पातशाह कहिंदे सिंघां नूं फिर खिचड़ कर मुड़दे पैरी बुला के लिया, तिन्हां नूं लै आवीं। तिन्ने भरा तख्तमल शमीर ते लखमीर आए, ये गुरु गोबिंद सिंह है, गुरु गोबिंद सिंह यह गुरु नानक का घर, कहिंदे जो मंगना मंग, क्या आपां कहना सी साडी गुड्डी कनेडा चली जाए, साडे कोल इहो काम रह गया जे कोई काम, ते गुड्डी कनेडा ते काक आस्ट्रेलिया दरबार साहब ना जाया जे, माफी दे आ जे, पौंड हो जाणगे डल हो जाणगे, लेकिन उह जगह नहीं जे मिलनी, डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहा, ये नहीं जे मिलनी, कोठियां दे मालक बन जाओगे लेकिन उह जगह नहीं जे मिलनी जिथे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या क्यों ना कर अमीर दिया राज भाग ते तैनू जगीर दिया कर कंचन वांग शरीर दिया कि दिल दियां बूंदा लाउणा ते साडे वडेरे ने आख्या सी नहीं राज भाग दी चाह दाता उहने पौण नहीं सी मंगे साडा वडेरा सी बाबा मान सिंह नहीं राज भाग दी चाह दाता मैनू चरणा विच टका दाता मेरी मुक्ति दा बणी गवाह दाता दिल सज दी तकड़ी हार दिओ जे मेहर असां ते कर दिओ
लिखिया कागज पाड़ दियो ये साडा मूल आपां कित्थे चले गए जेड़ा एदा हो जाएगा ना उहदे मगर मगर माया एदे होना औखा जे ब्रह्म बिंदे ते इसका ब्रह्म मत रहे एक शब्द लिव लाए नव नीति अठारे सिद्धि पिछे लगिया फिरे जो हर हिरदे सदा बसाए आ सामने बैठा ना काका घूरियां पड़ता भी दफा हट भी जा आड़ा सामने बैठा ना पांच क मिनट ने भरा बड़ा घूरियां पड़ता बड़ा भैड़ा वेदा वो गुरमुख कलगी तर पातशाह कहन लगे भी जो चाहिए मंग उन्हें की आख्या कि साड़ी मंग चाहिए उन्होंने आख्या पातशाह अपने चरणों में पीढ़ी जिन्ना थां दे असीं गुरु को मंगना जे भाई तख्त मल भाई भगत मल भाई शमीर ते लखबीर वो कहिंदे पातशाह चरणों में पीढ़ी जिन्ना थां दे कहन लगे गुरमुखा जे कमें तो उम्र मेरी कर देने जायदाद वध जाएगी घोड़ा फेर ला जिथे जिथे फेरेगा तेरी जमीन हो गए वह मामा कह लगा भी आनंदपुर साहब क्यों नहीं फेरिया आनंदपुर साहब छड़ के आ गया मामा बड़ा उतरा से चीतू उन्हों का कहन लगा अपना तो घोड़ा फेरिया नहीं गया उत्थे घोड़ा भी छड़ आया तो तुहानू की देगा वह वार वार उन्होंने मन में पिछे खिंचता है पर उन्होंने कर्म चंगे कह लगे पातशाह करो करो कहिंदे अमृत छकाउणा कहिंदे छक लांगे एक ने नहीं दो ने तीन नो कह लगे भी जे कल बेमृतिया प्रौना है तो कल फिर पंगा वह उन्हें जिन्हें उन्होंने भूआ के मस के पुत सन 125 प्राणियों अमर छकाया चाचे के पुत ताए के पुत जिन्हें घूम गए मासी के पुत अमर छकया ठंड का मौसम सी कर गया सवेरे भाई शहीर सिंह की धर्म पत्नी ने दुध गर्म किया उत्थे लिखा गया नहीं संतुख ने भी छुहारे पा के दुध गर्म किया उतों मैं अंदाजा लाया भी मौसम सियाल का होगा उस पॉइंट तो छुहारियों को कह लगी दुध गर्म गर्म लै जाओ थले अग रखी भाई शमीर ने बुकल मारी है तो बड़ा कट्ठा जहा के पिछे बैठा कलगी तर दिलों की जानता है कह लगे शमीर सिंह वो पुत्रा कर तू उमर छकया तेरे चेहरे ते रौनक चाहिए सी लाड़ी चाहिए सी ते अज कट्ठा जा हो के पिया है रब भोलियां दा जा भोले पाए मिले नगराया कहन लगा मैनू जापदा जी तुहाडा मत पुठा पै गया कल की तर बापू हस पिया कहन लगे भी अमृत पुठा पै जांदा कहिंदा जी मैनू जापदा पुठा कहिंदे किवें कहन लगा अन पाशाह तुसीं पुछ ही लिया ते मैं तुहानू दसां सच एक मैं गल पैणी भुल गया वो भाई शमीर कहिंदा कहिंदा पासा सच एक मैं गल कहनी भुल गया वो ये है मैं तुसी कहिंदे निम्मो झूणा मैं तां है भी रात पातशाह जदों मैं अमर छक के सौ गया ना सुलदा पाठ करके मैनू इन्ने भैड़े सुपने आए भी कदे इन्ने भैड़े सुपने आए ही नहीं ये अमर दी गल करके है ना गुरदेव नाल हसी जाणदे नाल कहन फिर अगे कहिंदा जी सुपने भैड़े भैड़े आई जांदे ने कदे जमदा कदे मरदा आखिरकार मैं गरीबां दे घर विआहिया गया न्याणे जादे सन कर खाण लई रोटी नहीं ते मैं अपने बच्चों नूं लै के वण दे दरख्त ते चढ़िया ते मैं उत्थों पीलां तोड़ तोड़ के खाधियां ते न्याणे नूं थले सुटियां जदों मैं सवेरे दातन कीती है ना उदों मैं वेख्या भी दाछी जिहड़ियां पीलां दी छिल सी ना उह बुरश दे नाल लगी सी ते मैं हैरान आं भी किहो जिहा सुपना है भी छिलां सुपने वालियां भी नाल जम पईआं गुरु पातशाह कहिंदे ये मैं रखियां ही कहिंदा जी किवें कहिंदा तू सुणा सी भी सुपना झूठा है तू विश्वास नहीं सी करना वह पीलां तेरे मूंह तां रखियां ने भाई शमीर सिंघा इन्नियां जूनां तैनूं भोगनियां पैणियां सन असीं सारे दे सारे गेड़ा दे के तेरियां पूरियां कर दित्तियां ये जे गुरु नानक दा कर भावें वह गुरु अर्जन देव होण भावें वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज होण भावें गुरु अंगद साहब होण याद रखिया जे गुरु नानक की जोत एक है बाकी दा जामे ने कदों पजामा पा लिया कदे आपां होर कोट पा लिया लेकिन मनुखता हो ना